अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था 6.2, आज हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में 6.3A। फ्रैंकफुर्ट बुक का हम फॉलो कर रहे हैं। तो 6.3A जो आपका क्वेश्चन है वो आपके बुक के पीछे आंसर नहीं गिवेन होगा, क्योंकि ये ए पार्ट वाला है और ए वाला हमें पता है बुक के पीछे आंसर्स नहीं होते। तो ये सवाल भी बिल्कुल पिछले दो सवालों की तरह है, 6.1 6.2 की तरह। इसमें भी हमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। कारपेट रिटेलर के नाम की जो कंपनी है उसके लिए हमें ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है। नवंबर 2017 की ट्रांजेक्शन्स हैं और एंड में उसका ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सवाल। 6.3 है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू अ कारपेट रिटेलर फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2017 एंड एक्सट्रैक्ट अ ट्रायल बैलेंस एज एट 30 नवंबर 2017। फर्स्ट नवंबर से 30 नवंबर की ट्रांजेक्शन दी हुई है। फर्स्ट नवंबर से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टेड इन बिजनेस विद 15,000 pound इन द बैंक। तो हमें पता है पहली ट्रांजेक्शन हमारी हमेशा इन्वेस्टमेंट की होती है, जिसमें वो हमें बताते हैं कि हमने बिजनेस जो स्टार्ट किया है किस तरह किया है, मतलब हमने इन्वेस्टमेंट किस थ्रू की थी। तो इन्होंने बैंक के थ्रू इन्वेस्टमेंट की थी। तो यहाँ पे कैपिटल और बैंक इंक्रीज़ हुआ है। बैंक जब इंक्रीज़ होता है तो हमें पता है वो डेबिट होता है, और कैपिटल जब इंक्रीज़ होता है हमें पता है वो क्रेडिट होता है। तो मैं यहाँ पर जो है सबसे पहले कैश, मैं यहाँ पर बैंक का एक बना लेता हूँ और कैश का मैं इधर बना लेता हूँ। बाकी परचेज सेल्स और उसके नीचे मैं बना लेता हूँ कैपिटल का। इनके मैंने पहले से इसलिए बना दिए क्योंकि मैंने आपको बताया था कि चार जो अकाउंट्स होते हैं, बैंक, कैश, परचेज, सेल्स, ये सबसे बड़े अकाउंट होते हैं और इनकी मैंने जगह भी ज़्यादा छोड़ी है, तो इसलिए मैंने इनको पहले से ही लिख दिया है। अब जो लाइन वाइज आते रहेंगे फिर हम उसके नीचे क्रिएट करते रहेंगे। तो बैंक में सबसे पहले हमारे पास अमाउंट इंक्रीज़ हुई है, तो फर्स्ट डेट को हमने यहाँ पे कैपिटल में 15,000 बैंक में डाले हैं कैपिटल के, और कैपिटल भी इंक्रीज़ हुआ है तो वो भी हम जो है क्रेडिट वाले साइड पर दिखा देते हैं बैंक के थ्रू 15,000 pound। इसके बाद 3 नवंबर को आ जाते हैं, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम जे स्मॉल, एफ ब्रॉन, टी राइट, आर चार्ल्स। तो ये जो कुछ बंदे हैं इनसे हमने जो है कुछ गुड्स बाय किए हैं, यानी कि परचेज किए हैं क्रेडिट पे उनको अभी हमने। पहले मैं इन चारों का नाम लिख लेता हूँ, और क्योंकि हमें पता है जब भी परचेज होती है तो वो हमारे डेबिट वाले साइड पे आती है। सबसे पहले हमारा है जे स्मॉल, इनसे हमने 290 pound का परचेजिंग की है उसी सेम डेट को। एफ ब्राउन और इनसे हमने 1200 pound की परचेजिंग की है उसी सेम डेट को। टी राय से हमने 610 pound की परचेजिंग की है उसी की डेट को। टी ग्रे इनसे हमने 1640 की परचेजिंग की है। अब हमने परचेज वाले में रिकॉर्ड, बल्कि एफ ब्राउन, टी राय और जो है फिर आर चार्ल्स है, ये मैंने दूसरी ट्रांजेक्शन मिक्स कर दी। आर चार्ल्स से हमने 530 pound की ट्रांजेक्शन की है। तो ये मैंने परचेजिंग वाले पे रिकॉर्ड कर लिया। अब इसकी क्रेडिट वाली जो है वो उनके अलग अलग अकाउंट्स में आएगी, इनके पर्सनल अकाउंट्स में, बिकॉज वो हमारे क्रेडिटर हैं, उनको भी हमने पैसे नहीं दिए हैं। तो मैं इनके चारों के एक अकाउंट बना लेता हूँ, जे स्मॉल, एफ ब्राउन, टी राय एंड आर चार्ल्स। तो मैंने इनके अलग अलग टी अकाउंट बना दिए हैं। अब इनकी वैल्यू को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। थर्ड डेट को यहाँ पे परचेज की है हमने इनसे 290 की, इसी सेम डेट को हमने इनसे भी परचेज की है 1200 की, सेम डेट को इनसे भी परचेज हुई है 610 और 530 की आर चार्ल्स से। और जो मैं ये पीछे नंबरिंग लिख रहा हूँ ये इंडेक्सिंग नहीं है, ये आपकी डेट है। जैसे कि पहले फर्स्ट डेट थी तो अब जो है थर्ड लिखी है। तो मैंने डेट, मैंने आपको हमेशा सवालों में बताया था डेट हम मेंशन करते हैं ताकि जब कोई बंदा हमारी ट्रांजेक्शन को पढ़े तो उसको फौरन समझ आ जाए कि कौन सी क्या लिखी हुई है। अगर वो फर्स्ट करे फिफ्थ ट्रांजेक्शन पढ़ रहा है कि इस दिन को ये हुआ था और वो आपके अकाउंट्स में ढूंढ रहा है, तो उसको ढूंढना ना पड़े कि वो किधर है, ये अकाउंट कहाँ पर जो है रिकॉर्ड हुआ हुआ है। वो खाली डेट के हिसाब से दिखेगा और उसको वो ट्रांजेक्शन मिल जाएगी, तो बहुत आसान हो जाता है। 5 नवंबर को आ जाते हैं, कैश सेल्स 610 pound। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हमने सेल्स की है 5th को कैश के ज़रिए, और जब भी हमारी सेल्स होती है वो हम क्रेडिट वाले साइड पे आती है,
और हमारे सेल किए तो हमारे पास पैसे आए हैं कैश सेल्स करने पे 610। 6 नवंबर पे आ जाते हैं, पेड रेंट बाय चेक 175 पाउंड। तो यहाँ पे हमने रेंट पे किया तो सबसे पहले रेंट के पैसे हमारे बैंक में से डिडक्ट हो जाएंगे, तो 175 हमारे बैंक में से डिडक्ट होगा क्योंकि हमने चेक से पे किए, और रेंट हमारा एक्सपेंस जो कि हमने पे कर दिया है, तो ये हमारा रेंट का एक अलग बन जाएगा। 6 डेट को हमने बैंक में से कितने 175 रेंट पे किया। इसके बाद आ जाते हैं 7th को, पेड बिजनेस रेट्स बाय चेक 130 पाउंड। तो ये भी हमारे डिडक्ट हो जाएंगे बैंक में से बिजनेस रेट। मैं यहाँ पे business.r लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। तो बिजनेस रेट 130 पाउंड, और ये हमारा बिजनेस रेट अब एक्सपेंस बन चुका है, तो ये भी मैं जो है अलग अकाउंट बना लूँगा 7th को बैंक के ज़रिए 130 पाउंड। इसके बाद आ जाते हैं 11th नवंबर को, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू टी पॉट जे फिल टी ग्रे। इन तीनों को हमने कुछ गुड्स सोल्ड किए हैं क्रेडिट पे, यानी कि वो हमारे डेप्टर हैं, उन्होंने अभी हमें पैसे नहीं दिए। तो सबसे पहले मैं सेल्स वाले में इनको रिकॉर्ड कर लेता हूँ, क्योंकि सेल्स हुई है तो वो क्रेडिट वाले साइड पे आएगी। टी पॉट्स को हमने 85 पाउंड का सामान बेचा है, जे फील्ड को हमने 48 पाउंड का सामान बेचा है, टी ग्रे को हमने 1640 पाउंड का सामान बेचा है। और इनके मैं अलग अलग अकाउंट बना लेता हूँ क्योंकि ये हमारे डेप्टर्स हैं। सबसे पहले टी पॉट, जे फील्ड टी ग्रे, और इनकी मैं वैल्यूज़ को भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ इनके अलग अलग, क्योंकि ये हमारे डेप्टर्स हैं, इन्होंने अभी हमें पैसे नहीं दिए हैं, तो इनके डेप्टर वाले साइड पे मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। 11th की ये ट्रांजेक्शन है, सेल्स हुई थी, टी पॉट्स को हमने सेल्स की थी 85 की, और 48 की जे फील्ड, 48 की जे फील्ड टी ग्रे को हमने 1640, आई गेस, यस 1640। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, जो कि है 17th की, 17 नवंबर को, पेड वेजेस बाय कैश 290 पाउंड। तो हमारा वेजेस भी एक तरीके का एक्सपेंस होता है, वो हमने पे किया है कैश के जरिए पे किया, तो यहाँ पे हम सबसे पहले कैश में से उसको डिडक्ट कर लेते हैं, और जब भी डिक्रीज होता है कैश यहाँ पर तो हमारा वो क्रेडिट वाले साइड पे आता है। वेजेस रीजन में वेजेस लिख देता हूँ कैश वाले अकाउंट में, 290 यहाँ से डिक्रीज हो जाएंगे, और वेजेस का हम एक अलग बना देंगे यहाँ पर वेजेस के नाम से, और यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा 17 कैश क्या अमाउंट है 290। ओके, उसके बाद आ जाते हैं 18th नवंबर को, वी रिटर्न गुड्स टू जे स्मॉल 18 आर चार्ज 27। तो इनको हमने कुछ रिटर्न कर दिए हैं गुड्स, तो ये हमारा परचेज रिटर्न हुआ है क्योंकि हमने उनको सामान रिटर्न किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम परचेज में नहीं लिखेंगे, मैंने आपको बताया था इनके एक अलग अकाउंट बनते हैं परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड्स भी होता है, क्योंकि आप रिटर्न करते हैं, जब आपके पास रिटर्न होता है तो रिटर्न इनवर्ड होता है। तो आप या तो इसको परचेज रिटर्न लिखें या रिटर्न आउटवर्ड्स लिखें, तो एक ही बात है, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक, उसी के साथ मैं जो है अब इसकी अमाउंट अकाउंट मैं मेंशन कर देता हूँ। जे स्मॉल और आर चार्ल्स को हमने रिटर्न किया है, 18 को जे स्मॉल को हमने कितने का, जे स्मॉल को हमने 18 पाउंड का सामान रिटर्न किया है। जे स्मॉल और आर चार्ज, आई गेस आर चार्ज को 27 पाउंड का, आर चार्ज को 27 पाउंड का सामान रिटर्न किया है, और अब ये इनके अकाउंट में हम मेंशन कर देंगे क्योंकि वो फिर डिडक्ट हो जाएगा। वो मैं यहाँ पे P.R लिख रहा हूँ हमेशा की तरह, यानी कि परचेज रिटर्न 27 और जे स्मॉल वाले में 18, P.R 18। ठीक है, इसके बाद 19 नवंबर को आ जाते हैं, बाउट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम आर चार्ल्स टी राय एफ जैक। तो
तो ये तीन बंदों से हमने और गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट पे, तो ये दो बंदों का नाम तो हमारे पास लिखा हुआ था। एफ जैक हमारे पास एक नया बंदा है, इसका टी अकाउंट हमें बनाना होगा। सबसे पहले जो मैं बात करता हूँ वो मैं यहाँ पे परचेज वाले में इनकी लिख लेता हूँ कि हमने इनसे सामान लिया है। तो सबसे पहला नाम है आर चार्ल्स, तो 19 को हमने आर चार्ल्स से 110 का लिया है, और उसी सेम डेट को टी राय से 320 की परचेजिंग की है। उसी सेम डेट को हमने जो है एफ जैक से परचेजिंग की है 165 पाउंड की। और अब मैं इनके अकाउंट्स में ये मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले आर चार्ल्स, तो आर चार्ल्स का 18 19 को आर चार्ल्स ने परचेज की है 110 110 की, और टी राय का अकाउंट ऊपर लिखा हुआ है, और 19 में मैं इसको भी मेंशन कर देता हूँ परचेज 320। एफ जैक का मेरे पास नहीं बना हुआ, मैं उसका टी अकाउंट बना लेता हूँ, ये भी हमारा क्रेडिटर है। तो एफ जैक का अकाउंट यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया है, इन्होंने भी परचेजिंग की है। इन्होंने कितने की परचेजिंग की है? एफ जैक ने 165 की परचेजिंग की है, ठीक। तो इसके बाद हम आ जाते हैं अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, जो कि है 20 नवंबर। 20 नवंबर की ट्रांजेक्शन, गुड्स वर रिटर्न टू अस बाय जे फील टी पॉट। ये दो बंदों ने हमें गुड्स रिटर्न किए, यानी कि यहाँ पे सेल्स रिटर्न हुआ है, रिटर्न इनवर्स हुआ है। तो आप इसको सेल्स रिटर्न लिखें या रिटर्न इनवर्स लिखें, एक ही बात है। सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्स। सेल्स हुआ था क्रेडिट वाले साइड पे, सेल्स रिटर्न हुआ है डेबिट वाले साइड पे होगा। और तो जे फील्ड और टी पॉट्स ने हमें रिटर्न किया है, और ये हुआ है 20th डेट को। जे फील्ड ने 6 पाउंड का और टी ग्रे ने 14 पाउंड का हमें सामान रिटर्न किया है। तो मैं इनके अकाउंट में मेंशन कर देता हूँ ये, और 20 और यहाँ पे मैं S.R लिख रहा हूँ, यानी कि सेल्स रिटर्न, आप समझ जाइएगा, शॉर्ट फॉर्म लिखा है जगह की वजह से, वरना ये पूरा आएगा नहीं। और यहाँ पे भी मैं S.R कर देता हूँ टी ग्रे वाले में 14 पाउंड। इसके बाद हम 20 ट्रांजेक्शन कंप्लीट, उसके बाद बल्कि जे फील्ड और टी पॉट था, मैंने ये टी ग्रे पे कर दिया, S.R14, मैं ये टी ग्रे से मिटा देता हूँ, ये बेसिकली टी पॉट था, मैंने टी ग्रे कर दिया, नो वरीज। उसके बाद आ जाए अगली ट्रांजेक्शन पे, 21st की, बाउटवैन ऑन क्रेडिट फ्रॉम टंकी मोटर्स 4950 पाउंड। तो क्रेडिट पे वैन बाई की है टंकी मोटर से, वैन और टंकी मोटर दोनों का अकाउंट बनेगा हमारे पास, एक वैन का एक टंकी मोटर्स। तो वैन का इजाफा हुआ है हमारे पास, हमने बाई की है टंकी ई मोट टंकी डॉट एम कर देता हूँ मैं, और अमाउंट है 4950 आई गेस, यस 4950। और यहाँ पर भी वह जो है मेंशन कर देता हूँ, वैन ली है इन्होंने से हम, तो ये आएगा क्रेडिट वाले साइड पे क्योंकि हमारे क्रेडिटर हैं, इनको अभी हमने पैसे नहीं दिए हैं। वैन ली है 4950 पाउंड्स की। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, 23rd नवंबर। वी पेड द फॉलोइंग बाई चेक, जे स्मॉल 272, एफ ब्राउन 1200, टी राय 500। तो इनको हमने जो है चेक के ज़रिए पैसे पे किए हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बैंक में से ही पैसे डिडक्ट होंगे, जे स्मॉल के नाम के खाते के 272 डिडक्ट होंगे। उसी सेम डेट को एफ ब्राउन को भी पे किए हैं, वो भी उसके नाम के डिडक्ट होंगे। उसी सेम डेट को टी राय को भी पे किए हैं 500, और ये हम इनके अकाउंट में मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो इनको जो है हमने पे किए हैं, और ये हमने बैंक के ज़रिए पे किए हैं, जे स्मॉल को 272 और एफ ब्राउन को 1200, 500 टी राय को। उसके
बाद आ जाते हैं 25 नवंबर, अबाउट अनदर विन पेन बाई चेक इमिजिएटली 6,200 पाउंड। तो इस बार हमने इमिजिएटली पे कर दिया, इस बार हमने जो है कोई क्रेडिट व्रेडिट पे नहीं लिया है, हमने इस बार सीधा चेक देकर वैन खरीदी है। तो यहाँ पे चेक में मैं यहाँ पे डिडक्ट कर लेता हूँ, यानी कि बैंक में से पैसे डिडक्ट कर लेता हूँ। 25th को वैन ली है इन्होंने कितने की, 6,200 पाउंड की, और वैन वाले में मैं यहाँ पर इंक्रीज कर देता हूँ, वैन वाले अकाउंट में 25th की ट्रांजेक्शन है ये, बैंक के जरिए 6,200 पाउंड की इन्होंने वैन ली है, ठीक है। इसके बाद आ जाए 26 नवंबर को, रिसीव्ड अ लोन ऑफ 750 पाउंड कैश फ्रॉम बी बैनेट। तो बी बैनेट से इन्होंने लोन रिसीव किया है कैश का 750 पाउंड। तो सबसे पहले हमारे पास कैश आया है 26 को बी बैनेट की तरफ से 750 पाउंड। तो बी बैनेट का हमारे पास अकाउंट नहीं है, बी बैनेट का भी हम अकाउंट बना लेते हैं। बी बैनेट ने हमें 26 को कैश दिया है 750, तो ये ट्रांजेक्शन भी कम्प्लीट। उसके बाद आता है 28 को, रिसीव चेक फ्रॉम टी पॉस जे फील्ड। तो हमारे पास हमारे को चेक रिसीव हुए हैं टी पॉस और जे फील्ड की तरफ से 28 को, तो टी पॉस ने हमें 71 पे किए, और इसी सेम डेट को जे फील्ड ने हमें 42 पे किए। और इनके अकाउंट में मैं ये जो है मेंटेन कर लेता हूँ 28 को, इन्होंने बैंक में हमें पैसे पे किए हैं 71, क्योंकि हमारे डेप्टर है, तो इनके अकाउंट अब क्रेडिट पे लिखा जाएगा ताकि मेंटेन हो जाए। टी पॉर्स और जे फील्ड ने 42, जे फील्ड ने 42 दिए। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट ट्रांजेक्शन पे 30 नवंबर की, प्रॉपर्टीयर ब्रिंग्स अ फर्दर 900 इनटू द बिजनेस बाय अ पेमेंट इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में फर्दर 900 जो है हमारे बिजनेस में आए हैं, हमने अपने बिजनेस में और फर्दर पैसे डाले हैं बैंक के ज़रिए। तो सबसे पहले हमारे पास बैंक में पैसे आए हैं जो कि कैपिटल की सूरत में आए हैं 900, और कैपिटल में पैसे इंक्रीज हुए हैं, तो यहाँ पर जो है मैं आप 30 बैंक 900। इसी के साथ हमारे सारे लेजर्स कंप्लीट हो गए 1 नवंबर से 30 नवंबर तक। अब हम इसके निकालते हैं क्लोजिंग। तो सबसे पहले अगर आपको क्लोजिंग का तरीका याद है, अगर आपने पिछले मेरी वीडियोस देखी हैं क्वेश्चंस की, तो आपको याद होगा कि हमने क्लोजिंग किस तरह निकाला था। अगर नहीं भी निकाला, अगर आपने नहीं भी वो वीडियोस देखी तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ नए सिरे से कि किस तरह क्लोजिंग निकलता है। क्लोजिंग सबसे पहले जो है आपका डेबिट वाला साइड और क्रेडिट वाला साइड का टोटल निकलेगा। मैं इनका टोटल कर लेता हूँ, 15,000 प्लस 71 प्लस 42 प्लस 900, तो इसका आया है 16,013। अब राइट हैंड वाले का कर लेते हैं, 175 प्लस 130 प्लस 272 प्लस 1200 प्लस 500 प्लस 6,200, तो इसका आया है 8,477। तो यहाँ पे हमारा प्राइस में काफ़ी कमी है, और हम देखते हैं कितने पैसे हमारे यहाँ पे कम हैं। 7,536 ये पैसे हमारे शॉर्ट हैं, जो कि हमें पूरे करने हैं अगले महीने। तो ये हमारा इस महीने का एंड का क्लोजिंग बैलेंस है 7,536। मैं यहाँ पे तो ये इस तरह लिखा जाएगा, बैलेंस सी बाई डी 7,536। और ये मैंने 30 डे क्यों लिखी है, मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि हमारे को आखिरी डेट 30 दी है। हो सकता है ये महीना जो है 30 दिन वाला हो, 31 दिन ना हो, तो आखिरी दिन को जो है हम निकालते हैं हमारे क्लोजिंग। तो इसलिए आखिरी डेट लिखी जाती है, ताकि जब आप अगले महीने में लेकर जाएंगे इसको, तो वो ये इस तरह लिखा जाएगा, बैलेंस बी बाई डी 7,536। ये एक सैम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे ही लिखना नहीं होता, लेकिन ये अगले महीने की जब आप लेजर्स बनाएंगे तो सबसे पहले ये लिखा जाएगा ट्रांजेक्शन रीड करने से पहले। और जिस साइड पे आपकी क्लोजिंग निकलती है उसके अपोजिट साइड पे ये लिखा जाता है फर्स्ट डेट डाल के, ठीक है। तो इसके बाद हम कैश के निकाल लेते हैं, 610 प्लस 750 और ये है 290। कितने पैसे यहाँ पे कम हो रहे हैं हम चेक कर लेते हैं इसमें से डिडक्ट करके,
1070, तो 1070 जो है हमें बैलेंस करना है अगले महीने, बैलेंस सी बाई डी। और परचेज और सेल्स का मैंने आपको बताया था कि ये तो हमेशा ही जाते हैं ट्रायल बैलेंस में, बिकॉज परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का अलग बनता है हमारा कॉलम यानी कि टी अकाउंट, तो इसलिए ये सेक्शन हमारे खाली रहते हैं। तो ये तो टी अकाउंट ट्रायल बैलेंस में जाते ही जाते हैं। 610 प्लस 530 प्लस 110 110 प्लस 320 प्लस 165, 3225 हमें अगले महीने यहाँ पे बैलेंस करने हैं, बैलेंस सी बाई डी 3225। तो इसका बैलेंस पूरा होगा। सेल्स का हम टोटल निकालते हैं, 610 प्लस 85 प्लस 48 प्लस 1640, 2386। तो बैलेंस सी बाई डी 2383। तो इसके बाद आ जाते हैं नीचे जो कि है बेसिकली 15,900, तो ये हो जाएगा 15,900 डायरेक्ट। तो इसका क्लोजिंग हो जाएगा बैलेंस सी बाई डी 15,900। तो इसके बाद जे स्मॉल, तो जे स्मॉल का हम यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट ये इनका क्लियर है बिल्कुल अकाउंट, तो इसका क्लोजिंग जीरो होगा बिल्कुल। एफ ब्राउन का भी बिल्कुल अकाउंट क्लियर है, इनका क्लोजिंग भी जीरो होगा। और इनका जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 610 प्लस 320 और ये 500, तो 500 जब 930 में से हम 500 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 430। तो 430 यहाँ पे हमारे वैल्यू शॉर्ट है, तो वो हम बैलेंस में लिख देते हैं 430 बैलेंस। और इसका हमारे पास कैलकुलेट करते हैं हम 530 प्लस 110 और ये है 27। तो इसको 640 बनाने के लिए हमारे पास कितने पैसे कम है, 613 बैलेंस सी बाई डी 613। ओके, तो इसके बाद जो हम आ जाते हैं रेंट पे, तो 175 175 30 बैलेंस सी बाई डी 175 और बिजनेस रेट 130। बैलेंस सी बाई डी 130, 71 प्लस 14 85 85। इसका अकाउंट बिल्कुल क्लियर है टी पॉट्स का, इनका क्लोजिंग होगा जीरो। जे फील्ड का अकाउंट भी बिल्कुल क्लियर है, 48 48, इनका भी क्लोजिंग होगा जीरो, तो ये भी नहीं जाएंगे ट्रायल बैलेंस में। 1640 1640 बैलेंस सी बाई डी 1640। ओके, मैंने इनके यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया किसी में भी। इसके बाद वेजेस, वेजेस 290 है टोटल और 290 ही इसका क्लोजिंग है, क्योंकि राइट हैंड साइड पर कुछ भी नहीं है, खाली है। 27 प्लस 18 45 और 45 ही यहाँ पे कमी है पूरी। बैलेंस सी बाई डी 45 हैं। जे एफ जैक पे इनका है 165 165 30 बैलेंस सी बाई डी 165, 14 प्लस 6 20 20 बैलेंस सी बाई डी 20। इनका टोटल है 4950 प्लस 6200, 11150 पाउंड, 11150 पाउंड। तो ये भी पूरा कवर करने हैं, बैलेंस सी बाई डी 11150 पाउंड। इसके बाद है हमारा वैन, वैन है 4950, 4915 को पे करने हैं। ये हमारे क्रेडिटर हैं बेसिकली, इनसे हमने उधार पे वैन ली थी। बैलेंस सी बाई डी 4950,
इनका 750 है। बी पैनेट से हमने लोन लिया था, बैलेंस सी बाई डी 750। सारी क्लोजिंग हमारी निकल चुकी है, अब इनको हमें सिंपली उठा के ट्रायल बैलेंस में लेके जाना है। ट्रायल बैलेंस का मैंने आपको एक रूल बताया था कि ट्रायल बैलेंस में आप जो है काफ़ी मुश्किल होती है कि ये इस तरह देखना कि अगर ये जैसे अकाउंट है फर्ज करें इसका क्लोजिंग निकला हुआ, तो ट्रायल बैलेंस में हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट वाले साइड पे क्रेडिट वाले साइड पे। तो इसके दो मेथड होते हैं कि अगर जिस अकाउंट का आप लिख रहे हैं या तो उसकी नेचर आपको मालूम हो, अगर आपको नेचर मालूम है जैसे कि फर्ज करें बैंक, तो हमारे को बैंक की नेचर पता है वो डेबिट इन नेचर होता है, यानी कि जब भी वो इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है। तो इंक्रीज वाले हमें नेचर सबकी पता होनी चाहिए। जैसे कि अब मैं कैपिटल की बात करता हूँ तो हमें पता है क्रेडिट इन नेचर है, जैसे ही वो इंक्रीज होगा वो क्रेडिट होगा, जैसे इंक्रीज होगा वो क्रेडिट बढ़ेगा। तो इंक्रीज इन क्रेडिट है ये, कैश हमारा इंक्रीज इन डेबिट है, परचेज हमारा इंक्रीज इन डेबिट है, सेल्स हमारा इंक्रीज इन क्रेडिट है, जैसे ही बढ़ता है तो क्रेडिट में आता है। या तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, लेकिन ये कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास नए वर्ड्स आ जाते हैं एग्जाम में जो कि आपको नहीं पता होता, कैरेज वगैरह, तो इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अब इनको हम ट्रायल बैलेंस में किस साइड पे डालेंगे। हालांकि क्लोजिंग तो आपका निकल जाता है कि क्लोजिंग हमारा वहाँ निकलता है जहाँ पे हमारे पैसे कम होते हैं, कि जिस साइड पे ज़्यादा हो रहे होते हैं उसके अपोजिट साइड पे जहाँ पैसे कम हो रहे होते हैं वहाँ पे हम क्लोजिंग लगाते हैं कि ये पैसे हमें यहाँ पे पूरे करने हैं टोटल लाने के लिए। तो ये तो आप आसानी से निकाल लोगे, लेकिन ट्रायल बैलेंस में डालते हुए काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसका आसान मेथड जो मैं आपको बताऊंगा, जो आप याद रख लें बिल्कुल जहन में लॉक कर लें, जिस साइड पे आपका क्लोजिंग निकलेगा उसके अपोजिट साइड में ट्रायल बैलेंस में जाएगा। सिंपल ये एक रूल है, बस आप ये याद रख लें। जैसे कि अगर बैंक का क्लोजिंग क्रेडिट साइड पे निकला हुआ है तो ट्रायल बैलेंस में वो डेबिट वाले साइड में जाएगा, और अगर नेचर के हिसाब से देखें तो वो भी हमें पता है कि बैंक डेबिट इन नेचर है, तो हमेशा इसका क्लोजिंग यानी कि यहीं निकलेगा। तो यहाँ बैंक का हम यहाँ पर ले जाते हैं 7536, बैंक 7536। ट्रायल बैलेंस के हवाले से मैंने आपको एक बात बोली थी कि सबसे पहले आप चार पांच अकाउंट बड़े लिखा करें, बैंक, कैश, परचेज, सेल्स और फिर कैपिटल, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, उसके बाद जो है फिर आपके सारे पर्सनल अकाउंट्स। तो ये चार तो आपके शुरू में आते हैं सबसे पहले, बैंक, कैश, परचेज, सेल। कैश हमारा 1070 है, इसके बाद परचेज की वैल्यू है, परचेज भी हमारा डेबिट वाले साइड पे आएगा 3225। परचेज 3225। सेल्स हमारा क्रेडिट इन नेचर होता है तो क्रेडिट वाले साइड पे आएगा, और देखना इसका क्लोजिंग डेबिट वाले साइड पे निकला हुआ होगा। ये देखें डेबिट वाले साइड पे क्लोजिंग निकला हुआ है, यानी कि अब ये ट्रायल बैलेंस में अपोजिट साइड पे जाएगा, और 2383 इसका क्लोजिंग है, 2383। अब आ जाते हैं कैपिटल पे, तो कैपिटल भी जो है 15,900 पाउंड क्रेडिट वाले साइड पे, कैपिटल 15,900 पाउंड। इसके बाद हम देखते हैं, अब इसके बाद हम जो है लाइन से ही लिख लेते हैं। वैसे अगर चाहें तो आप परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न पहले लिख सकते हैं या कर लेते हैं। रिटर्न आउटवर्ड्स हमारा है 45 बैलेंस, और परचेज हमारा आया था डेबिट वाले साइड पे, तो परचेज रिटर्न आएगा क्रेडिट वाले साइड पे। रिटर्न आउटवर्ड 45, रिटर्न आउटवर्ड 45, रिटर्न आउटवर्ड यानी कि आपका परचेज रिटर्न, और रिटर्न इनवर्ड यानी कि सेल्स रिटर्न, ये आपकी हो जाएगी वैल्यू 20, ऊपर ही लिखी हुई है। अब हम लाइन वाइज चलते हैं, जो जो हमारे अकाउंट रह गए हैं। जे स्मॉल से स्टार्ट करते हैं, जे स्मॉल का हमारा क्लोजिंग कुछ भी नहीं है, इनका अकाउंट क्लियर था। एफ ब्राउन का भी क्लियर है, टी राय का 430 है, आर चार्ल्स का 613 है। टी राय का 430 है, आर चार्ल्स का 613 है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं रेंट पे, तो रेंट हमारा क्रेडिट वाले साइड पे निकला हुआ है, तो ये वैसे भी हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमारा डेबिट इन नेचर होता है। एक्सपेंस का हमने शायद अभी नहीं पढ़ा है, तो बहुत जल्दी उसकी भी वीडियो बना दूंगा मैं एक्सपेंस के कॉन्सेप्ट की। 175 डेबिट में आएगा रेंट। इसके बाद आ जाते हैं रेंट के बाद बिजनेस रेट, ये भी आपका डेबिट में 130। बिजनेस रेट के आगे टी पॉट्स, टी पॉट्स का अकाउंट भी क्लियर है, जे फील्ड का भी क्लियर है, टी ग्रे का 1640 डेप्टर है ये हमारा,
ग्रे का 1640। इसके बाद भी हमारा कोई डेप्टर होगा? नहीं, डेप्टर खत्म। वेजेस का है 290, वेजेस भी हमारा एक्सपेंस होता है 290। इसके बाद परचेज रिटर्न हमने लिख लिया है, रिटर्न आउटवर्ड एफ जेक का है, एफ जेक हमारा क्रेडिटर था 165, तो ये आएगा उल्टे साइड पे, एफ जेक 165। एफ जेक के बाद है सेल्स रिटर्न, ये हमने लिख लिया पहले, वैन वाला है, वैन हमारा डेबिट वाले साइड पे आएगा 11,150, वैन है 11,150। टर्नकी मोटर्स 4,950 क्रेडिट वाले साइड पे, टर्नकी मोटर्स 4,950। लास्ट अकाउंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी बेनेट 750 कैश, जो जिनसे हमने लोन लिया था, बी बेनेट 750। सारी ट्रायल बैलेंस की वैल्यू कंप्लीट हो गई है, अब हम इनका टोटल निकालते हैं। होपफुली आज आंसर हमारा पहली दफ़ा में सही आ जाए, क्योंकि हर दफ़ा हम जो है कोई ना कोई मिस्टेक कर देते हैं, कहीं पे एक वैल्यू कम रह जाती है या छोटी मोटी एक मिस्टेक रह जाती है। तो उम्मीद करते हैं आज का आंसर बिल्कुल पहली दफ़ा में सही आ जाए। पहली वैल्यू है 7536, उसमें ऐड करना है 1,070, उसमें ऐड करना है 3,225, उसमें ऐड करना है 20, उसमें ऐड करना है 175, उसमें ऐड करना है 130, उसमें ऐड करना है 1640, उसमें ऐड करना है 290, उसमें ऐड करना है 11,150। एक दफ़ा क्रॉस चेक कर लेते हैं, पहले से ही 7536, 1070, 3225, 20, 175, 130, 1640, 290, 11,150। तो ये आया है 25,236 पाउंड। तो अब चेक करते हैं कि क्रेडिट वाली साइड इसकी इक्वल आती है या नहीं। तो 2,82,383 प्लस 15,900 प्लस 45 प्लस 430 प्लस 613 प्लस 165 प्लस 4,950 प्लस 750। तो मुबारक, पहली दफ़ा में हमारा आंसर सही आ गया है 25,236 पाउंड। तो ये हमारी ट्रायल बैलेंस की वैल्यूज़ हैं, यानी कि ये हमारे बैलेंसेस हैं इस महीने के, जो कि हमें अगले महीने में पूरे करने होंगे। तो इसी के साथ आज का हमारा सवाल कंप्लीट होता है। मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ क्वेश्चन का, कहीं पे आपको स्टॉप करके कुछ देखना हो तो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, जो कि होगी 6.4, वो भी मेरे ख्याल से ए वाले सीरीज़ का सवाल है, जिसके आंसर्स नहीं होते पीछे, वो हम देख लेंगे। सॉल्व तो फिर भी हमें करना ही है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि जब वो वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आ जाए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।